ओके, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो ये एक्चुअली ग्राफ है जो हमारा एआई एजेंट फॉलो करता है, ठीक है, ये जो जो आपके कॉल जो 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 लॉग्स जनरेट हुए हैं, जो जो कॉल्स गई हैं, कौन से मेथड की कॉल किसके साथ गई, क्या उस मेथड को क्या इनपुट गया था, क्या आउटपुट आया, वो सारी चीजें यहाँ पे लैंडस्मिथ में जो क्लाउड पे, बेसिकली ये आपका एक्चुअली क्लाउड पे होस्टेड है, तो वहां पे जो है वो उन सारे लोग्स को यहाँ पे दिखाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया जनरेटिव एआई बेस्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसका नाम है पर्सनल कोडिंग असिस्टेंट। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, कोड का वॉक थ्रू करवाऊंगा मैं आपको, प्रोजेक्ट का डेमो करेंगे और प्रोजेक्ट में जो टेक स्टैक यूज हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज, जैसे कि कॉलेज असाइनमेंट या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिशन या पर्सनल लर्निंग या फिर प्रोफेशनल लर्निंग या फिर किसी अन्य रीजन से भी अगर आप इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड आई कैन हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट सोर्स कोड एंड सेटअप ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन योर मशीन। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये एक पर्सनल कोडिंग असिस्टेंट है। यहाँ पे देखने से बहुत ही सिंपल यूआई लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया। हमने एक एआई बेस्ड एजेंट लिखा है जो कि यूजर के क्वेश्चन के बेस पे ऑटोमेटिकली आपके लिए सोर्स कोड जनरेट करके देगा, ठीक है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको एक क्वेश्चन दिया, राइट अ फंक्शन फॉर फिबोनाची, और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये मेरे लिए जो है स्टैक पूरा जो सोर्स कोड जो है जनरेट करके दे देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल करोगे तो ये मेरे लिए पूरा सोर्स कोड जनरेट करके दे देता है। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड लेट्स से मैं ये जो है, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन फॉर फिबोनाची। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा जो कि लीड कोड की वेबसाइट से मैं आपको उठाऊंगा। मैं आपको एक्चुअली तीन एग्जाम्पल लूंगा लीड कोड की साइट से। उसमें एक आपका इजी कोडिंग क्वेश्चन होगा, एक मीडियम होगा और एक हार्ड होगा। मैं तीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के क्वेश्चन दूंगा एंड वी विल सी कि ये जो एआई एजेंट है क्या ये आपके लिए कोड जनरेट कर पा रहा है, और वो जो कोड जनरेट कर रहा है क्या वो सही है। तो जैसे ये तो आपका सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया कि राइट अ फंक्शन फॉर फिबोनाची, ये यहाँ पे इसका आंसर देता है। और नीचे हमने जो है एक हिस्ट्री सेक्शन मेंटेन किया है। हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे आप जो जो क्वेश्चन पूछोगे वो क्वेश्चन और उनके रिस्पेक्टिव आंसर जो है यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैं, आप मेरी स्क्रीन देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे मैं लीड कोड की वेबसाइट पे गया हूँ। लीड कोड की वेबसाइट से मैंने निकाले हैं टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मान लो मैं सबसे पहले एक इजी वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जैसे ये रिमूव एलिमेंट वाला है। ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं मेरे एआई एजेंट को दूंगा एंड वी विल सी कि क्या वो सही करेक्ट आंसर जनरेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ये इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट करके और ये क्वेश्चन दे दिया है। एंड लेट्स सी कि ये मुझे जो क्या आंसर देता है एंड वो जो आंसर दे रहा है क्या वो सही है। तो ये जो इसने मेरे को कोड दिया है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। और इस कोड को जो है मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे मैंने मेरा कोड डाल दिया है जो मेरे एजेंट ने जनरेट किया था, ठीक है। अब जो है, अगर मैं इस कोड को अभी रन करके देखता हूँ, लेट्स से इफ आई रन इट एंड लेट्स सी कि वो ये कोड करेक्ट है कि नहीं। ओके, यहाँ पे एक ओके सॉरी, तो ये कोड से रिलेटेड इशू नहीं था, ये एक्चुअली गलती से एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया था। पाइथन इज रियली सेंसिटिव अबाउट द स्पेसेस। तो अगर ये देखिए, मैंने ये एग्जैक्ट सेम कोड जो है कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और उसको रन किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने दोनों टेस्ट केस जो है रन कर दिए हैं, दोनों पास हो रहे हैं। और अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, इस क्वेश्चन को ही सबमिट करता हूँ, क्योंकि सबमिट करने के बाद अगर आपको लीड कोड का आइडिया हो तो ये काफी सारे बाकी के क्वेश्चंस भी चलाता है, बाकी के टेस्ट केसेस भी चलाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने जो ये कोड लिखा है वो 39 ms में हो गया है और ये 45% ऑफ सॉल्यूशन को बीट करता है, ठीक है। अब हम जो है एक
कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे लेकिन मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट से नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये वाला मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसमें इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ से एग्जैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन जो है कॉपी कर लिया है, और इस डिस्क्रिप्शन को मैं एग्जैक्ट मेरे एआई एजेंट को देता हूँ, एंड लेट्स सी कि वो क्या कोड जनरेट करता है। और जैसा आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे हम हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। हम मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था, ये उसका आंसर आया था, उसके बाद ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, उसका ये आंसर ये आया था। अब मैं इससे तीसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, अब मैं इसको तीसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, और लेट्स सी कि ये क्या आंसर देता है। उस आंसर को फिर हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो आंसर जो है करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। हमने ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन देने के बाद लेट से मैं ये रन करता हूँ, एंड लेट से इफ आई रन दिस कोड एंड लेट सी कि क्या होता है। ओके, बहुत ही अच्छे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो टेस्ट केस से दोनों ही पास हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं इस सेम क्वेश्चन के आंसर को मैं अगर सबमिट करता हूँ, लेट्स सी कि ये क्या देता है, कुछ कोई टेस्ट केस फेल होता है या पास होता है। जी हाँ, ये पूरे सारे टेस्ट केस ही पास हो गए, एंड यू कैन सी इसने 379 सेकंड लिए, एंड दिस सॉल्यूशन बीट्स 29 अराउंड 30% ऑफ द सॉल्यूशंस दैट हैव बीन सबमिटेड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम एक हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन लेंगे, हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक, ओके लेट्स ये वाला ले लेते हैं, बेसिक कैलकुलेटर वाला, ठीक है। अब इस बेसिक कैलकुलेटर में इसके में भी मैंने एग्जैक्ट बस डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन और जो इसके बाकी के एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं वो लिए हैं, और उनको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड लेट्स सी जो ये वाला एजेंट है, एआई एजेंट है, ये जो क्वेश्चन आंसर जनरेट कर रहा है क्या वो सही है। सो लेट्स सी, इसका इसका आंसर मैं कॉपी कर लेता हूँ, एग्जैक्ट को मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हम जो है अपना वाला कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में एक इंडेंटेशन का इशू तो मुझे लग रहा है, वो मैं जल्दी से स्पेसेस का इशू जो मुझे लग रहा है वो करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आई थिंक ये सही लग रहा है मुझे, एंड लेट्स से इफ आई रन इट एंड विल सी कि ये क्या रिजल्ट देता है मुझे। ओके, सो करेक्ट है, यहाँ पे मैंने तीन टेस्ट केसेस थे, इसने तीनों टेस्ट केसेस पास किए हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे टेस्ट केसेस भी हैं कि आप ऐसा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन इसको देते हो एंड इट इज करेक्टली जनरेटिंग द आउटपुट। एंड लेट्स से अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये कैसे, ओके, बीट्स 97%, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है। दैट मीन्स कि अब तक के जितने सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए लीड कोड के ऊपर सबमिट हुए हैं, ये वाला कोड 97% को बीट करता है, तो बहुत ही अच्छा आंसर इसने दिया है। और ये थे डेमो के बारे में, देर आर स्टिल चांसेस कि क्योंकि इसके बैकएंड में एक्चुअली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि देर आर स्टिल चांसेस कि मॉडल हेलुसिनेट करे और आपका आंसर जो है करेक्ट ना आए, देर आर स्टिल चांसेस। वो चांसेस आपके चैट जीपीटी के साथ भी, वो चांसेस आपके एआई के किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी प्रोडक्ट के साथ होते हैं, ठीक है। बट लेट्स से किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लेवल पे या उस लेवल के लिए या स्टार्टिंग लेवल के लिए या एक अच्छे लेवल, इवन अच्छे लेवल की प्रोफेशनल एआई एमएल किसी प्रोजेक्ट के लिए दिस इज रियली गुड। ओके, तो अभी हमारा हो गया ये डेमो, अब हम आगे बात करेंगे कोड के वॉक थ्रू के बारे में। तो चलिए मैं आपको कोड पे लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको जो है अपने कोड पे लेके जाता हूँ, और वन बाय वन हम सारी चीजों को कवर करेंगे। मैं सारी सारी फाइल्स सारी सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, एंड आई विल टेक यू थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन, ठीक है। तो जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है कोडिंग असिस्टेंट, यहाँ से जो है ये स्टाइल्स वाली फाइल है, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, जो कि यूआई के डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, ये मैं नहीं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मेंशनड हैं, जो जो कोर लाइब्रेरी जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो ये हैं, लैंग्राफ, लैंगचेन, लैंगचेन ग्रोक,
लैंगचेन कम्युनिटी, पाइथन डॉट ईएनवी, आईपाइथन, पिलो एंड सिमलेट। सिमलेट में हमने यूआई बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो है, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो ये एक्चुअली ग्राफ है जो हमारा एआई एजेंट फॉलो करता है, ठीक है। ये भी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, इसके कोड को समझने के लिए, जैसे कि लैंग चेन क्या है, वो कैसे काम करता है। क्योंकि ये लैंग चेन के ऊपर जो लैंग ग्राफ जो V0.2 आया है उसको यूज करता है, तो आपको इट रिक्वायर्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अराउंड LLM, अराउंड लैंग चेन एंड अराउंड लैंग ग्राफ, तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं तो आप पहले एक बार वो चीजें थोड़ा सा देखिए, देन कम बैक हेयर एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट। तो ये वाला जो मेरा जो AI एजेंट है वो इस ग्राफ को एक्चुअली फॉलो करता है। यहाँ पे नोड्स है, बट एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे स्टार्ट नोड है, स्टार्ट नोड से हम शुरू करते हैं, देन इट गोज टू जनरेट नोड। जनरेट नोड आपकी क्या करती है कि वो कोड जनरेट करके देती है। फिर ये जो है एक दूसरी नोड है चेक कोड, ये एक दूसरी नोड है जो कि जिसका काम ये है कि वो जो कोड जनरेट हुआ है उस कोड को चेक करती है, क्या उस कोड में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लॉजिक प्रॉब्लम तो नहीं है। वो ये वाली नोड वो वाला काम करती है। अगर उसको, अगर यहाँ पे चेक कोड को प्रॉब्लम मिलती है, लेट्स से अगर वो चेक कोड करते वक्त तो उसे लगता है कि प्रॉब्लम है, देन आप देख रहे होगे यहाँ से एक डॉटेड एज वापिस जनरेट पे जा रहा है, इसको बोलते हैं कंडीशनल एज। ये क्या करेगा कि जैसे ही आप चेक कोड को, अगर चेक कोड को लगता है कि इसमें एरर है, इट विल गो बैक टू द जनरेट एंड इट विल कम्युनिकेट कि बॉस जो आपने कोड दिया है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको करेक्ट कीजिए। फिर जनरेट करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से जनरेट करेगा, कुछ एक दो बार ट्राई करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वो, अगर वो गलत ही देता गया तो वो लूप में फंस जाएगा। वो कुछ टाइम, एक लिमिट होती है, 25 टाइम्स की रिकर्सन लिमिट होती है, 25 टाइम्स इनका लूप चलेगा। अगर 25 टाइम्स तक भी वो करेक्ट नहीं कर पाया तो एरर थ्रो करके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बीच में किसी भी टाइम वो करेक्ट कर पाया और चेक कोड, फिर जो है ये वाली जो नोड जो है चेक कोड वाली, ये आपको करेक्ट आंसर देती है, देन इट विल गो टू एंड, और फिर हम एंड नोड पे आ जाएंगे, मतलब ये जो एग्जीक्यूशन को जो है एंड कर देगा। ये हमारा जो है ग्राफ जो है AI एजेंट जो पाथ फॉलो करता है उसका है, ठीक है। उसके बाद ये मेन डॉट पी वाई फाइल है, इसको अभी कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोड मैं इस एप डॉट पी वाई फाइल में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये एप डॉट पी वाई फाइल क्या है, ये वाली बेसिकली आपकी क्या है, इस फाइल में आपका यूआई का कोड है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से डॉट एनवायरनमेंट को लोड करते हैं और उसके बाद हम कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और एक्चुअली इससे पहले ना मैं बाकी की चीजें आपको बता देता हूँ, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं आपको कॉन्फिग दिखा देता हूँ कि कॉन्फिग में हम कर क्या रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले लेट से कोड यहाँ से चला लोड डॉट ईएनवी। जब ये वाला कोड चलता है तो ये क्या करेगा, जो हमारी डॉट ईएनवी फाइल है उसको अपने मतलब जो लोड डॉट ई एन वी वाली लाइब्रेरी है, इस डॉट ई एन वी फाइल को लोड कर लेगी अपने रैम में, या मतलब रन करते टाइम। सो ये वाले जो हम OS में यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स को हम कॉन्फिग में क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लास बनाई है और यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर में ये जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज गेट कर रहे हैं। जैसे मॉडल आईडी क्या है, ग्रोक की API की क्या है, लैंग चेन ट्रेसिंग क्या है, लैंग चेन एंड पॉइंट क्या है, लैंग चेन API क्या है, ये सब क्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, यहाँ पे जैसे आप यहाँ से जनरेट करते हो उसके बाद अगर आपने नोटिस किया होती, यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेस का एक लिंक बना हुआ है। अगर मैं आपको इसको लिंक खोल के दिखाता हूँ तो ये क्या है कि ये जो जो आपके कॉल, जो 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 लॉग्स जनरेट हुए हैं, जो जो कॉल्स गई हैं, कौन से मेथड की कॉल किसके साथ गई, क्या उस मेथड को क्या इनपुट गया था, क्या आउटपुट आया, वो सारी चीजें यहाँ पे लैंग स्मिथ में, जो क्लाउड पे बेसिकली ये आपका एक्चुअली क्लाउड पे होस्टेड है, तो वहां पे जो है उन सारे लॉग्स को यहाँ पे दिखाता है। लेट से मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये वही नोड है जो हमारी उस ग्राफ में, अगर आप रिलेट कर पाएंगे, स्टार्ट जनरेट चेक कोड, स्टार्ट जनरेट चेक कोड, ठीक है। स्टार्ट वाली नोड क्या करती है, इट्स जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या लेती है, यूजर से इनपुट ले लेती है और वो मैसेजेज में डाल देती है। उसके बाद जनरेट वाली नोड पे एग्जीक्यूशन आता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे
जनरेट पे आ गए हम। तो जनरेट में क्या होता है कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये असिस्टेंट ने ये भी लिखा, जो आपस में मैसेजेस पास होते हैं, हेयर इज माई अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड अप्रोच। तो यहाँ पे उसने जो कोड जनरेट किया है, ठीक है, यहाँ पे उसने जो आउटपुट जो दी है वो ये वाली है। ओके, यहाँ पे ये जनरेट करता है और चेक कोड में क्या करता है कि जो कोड आया है उसको चेक करता है। बेसिकली इसमें इसको ये चेक करता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सक्सेस इज स्टेटस इज सक्सेस। ओके, तो दैट मीन्स कि ये स्टेप अच्छे से वो हो गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जो जो कॉल्स गई हैं वो वाली कॉल्स के लॉग्स आपको दिखा देगा, कौन से कहाँ से क्या कॉल गई है, कैसे गई है, वो सारे कॉल्स, वो सारे जो लॉग्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन स्मिथ का। उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ कोड के ऊपर, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम यहाँ से लोड डॉट ई एन वी में क्या करते हैं, जो डॉट ई एन वी फाइल में हमने जो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं उनको लोड कर लेते हैं और कॉन्फिग क्लास के अंदर हम लोड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडल आईडी क्या है, मैक्सिमम आइटरेशन क्या है, एपीआई की क्या है, एंड लेंथ चेन का एंड पॉइंट क्या है, और ओएस के अंदर ये दो, ओएस के एनवायरनमेंट के अंदर हम ये दो वेरिएबल बना देते हैं और उनकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम बिल्ड ग्राफ करते हैं। ग्राफ बिल्ड करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। जो हमारे यहाँ पे आपने ग्राफ देखा होगा ना, ये वाला ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि कॉन्फिग का हो गया। हम यहाँ पे ग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हम ग्राफ बिल्ड करते हैं। ये देखो, यहाँ पे हम ग्राफ में क्या करते हैं कि एक ग्राफ की स्टेट होती है और उस एक पर्टिकुलर स्टेट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम जो है नोड बनाते जाते हैं। जनरेट वाली नोड आपने देखी होगी, ये वही नोड है जनरेट वाली। ठीक है, इस जनरेट नोड के पीछे एक फंक्शन या मेथड कॉल होता है, वो ये वाला है। ठीक है, एक चेक कोड है, चेक कोड के पीछे एक कोड चेक वाला मेथड है डिफाइंड है, वो ये कॉल होता है। बेसिकली क्या है कि आपने कुछ मेथड्स डिफाइन कर दिए, उन मेथड्स को टूल की नोड में डाल दिया, बेसिकली ग्राफ की नोड में डाल दिया, और अब आप उनको जो है ग्राफ में ऐड करते जा रहे हो उन नोड्स को। ठीक है, यहाँ से मैंने पहली नोड ऐड करी, फिर दूसरी नोड ऐड करी, फिर मैंने ग्राफ के एजेस बना रहा हूँ मैं यहाँ से बिल्ड ग्राफ में, यहाँ से मैं एजेस बना रहा हूँ। बिल्डर डॉट सेट एंट्री पॉइंट, मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, जनरेट वाली नोड एंट्री पॉइंट है। फिर जनरेट नोड से मेरा चेक कोड का एक एड है, एज है, और एक मेरा कंडीशनल एज है जो कि मेरा चेक कोड से जाता है डिसाइड टू फिनिश पे और या फिर जनरेट पे जाता है। अब डिसाइड टू फिनिश के ऊपर ये एक्चुअली क्या है, ये भी एक फंक्शन है, ये डिफाइन करता है कि भाई ये लॉजिकल फंक्शन है, इसकी जो भी आउटपुट आएगी इसकी आउटपुट के बेस पे हमारा जो कंट्रोल फ्लो जाएगा, आइदर तो एंड वाली नोड पे जाएगा और तो जनरेट वाली नोड पे। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे चेक कोड से एक जो कंडीशनल एज वापिस इधर है और एक कंडीशनल एज इधर है, तो किस टाइम पे कहाँ पे जाएगा वो चेक कोड के अंदर जो है एक डिसाइडर फंक्शन लिखा हुआ है जो डिसाइड करता है। अगर उसको आपके कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो वो एंड कर देगा, प्रॉब्लम लगी तो वापिस जनरेट करने को बोलेगा। ठीक है, ये हम फिर ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ बनाने के बाद हम उसमें मेमोरी डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनाने का तरीका हो गया। ओके, उसके बाद कॉन्फिग हो गया, यहाँ पे एजेस हैं कि हम एजेस कैसे डिफाइन करते हैं। एज मतलब यहाँ पे अगर आप एजेस में जाओगे, जो मैंने आपको बताया था डिसाइड टू फिनिश ही, इसमें हमने वो वाला डिसाइड टू फिनिश वाला लॉजिक लिखा हुआ है कि अगर एरर आती है स्टेट के ऑब्जेक्ट के पास, अगर एरर है, अगर इफ एरर इज इक्वल टू नो और ये मतलब मैक्सिमम आइट्रेशन के पास पहुंच गया है तो वो डिसाइड कर फिनिश कर लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही घूमता रहेगा इस लूप में। हमने यहाँ पे आइट्रेशन डिफाइन कर रखे हैं, या तो वो आइट्रेशन उतनी हो गई हैं या तो एरर नहीं आया है तो वो एंड कर देगा। अगर तो आया है तो वो रिट्राई करने को बोलेगा कि भाई तू रिट्राई कर, जनरेट को बोल देगा। ठीक है, यहाँ से हमने ग्राफ बिल्डर को कर लिया, एजेस को कर लिया, यहाँ से हम ग्राफ की स्टेट होती है जो कि हम इसके अंदर पास करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये जो ग्राफ की स्टेट है वो यही वाली है ग्राफ स्टेट, जैसे आप यहाँ देखोगे इसमें कुछ नहीं होता है कि आप एक टाइप डिक्ट को, बेसिकली ये टाइप डिक्ट को एक्सटेंड करती है ये वाली क्लास, और इस क्लास में हमने
कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर रखा है और इनिशियलाइज करवा रखा है। नोड्स के अंदर कुछ नहीं है, जैसे नोड्स मैंने आपको बताया था, नोड्स बेसिकली क्या है कि फंक्शंस हैं, लॉजिक है एक्चुअली, ठीक है। तो जनरेट वाली नोड ये है, ये एक स्टेट ग्राफ स्टेट का ऑब्जेक्ट लेती है और कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट लेती है। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, मैसेजेस से मैसेजेस निकाल लेते हैं, आइट्रेशन निकाल लेते हैं। और जो हमारा एलएलएम है, हम एलएलएम ये वाला एलएलएम यूज कर रहे हैं, हम एलएलएम इसमें जो है चैट ग्रोक का यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रोक जो कि लैंग चेन के थ्रू एक्सेसिबल है, उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एलएलएम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो जो कोड जनरेशन चेन है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे, वापस से नोड्स पे आओगे, नोड्स में हमारा सारा लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने एलएलएम का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हम जनरेट कोड को कॉल करेंगे। जनरेट कोड क्या क्या है मेरा, ये वाला है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोड जो हमारी जो ये वाली चेन बनाई है इसको हम इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इन्वोक करते हैं और फिर जो भी सॉल्यूशन आता है उसको हम मैसेजेस में अपेंड करवा देते हैं। यहाँ पे हम मैसेजेस में अपेंड करवा देते हैं और उसको फिर रिटर्न कर देते हैं और हाइड्रेशन सेट कर देते हैं कि कितनी हाइड्रेशन होगी, पहली हाइड्रेशन है, दूसरी हाइड्रेशन। ये दूसरी नोड जो हमारी कोड चेक वाली है उसके अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम मैसेजेस निकालते हैं, कोड सॉल्यूशन निकालते हैं और हाइड्रेशन निकालते हैं। तो हमें ये तीन ही चीज चाहिए कोड चेक करते वक्त, कि आइट्रेशन पूरी तो नहीं हो गई है, और जो कोड भेजा है जनरेट हुआ वो दे दो, और जो मैसेजेस की करंट स्टेट है वो भी दे दो, ठीक है। तो हम यहाँ से ये सारी चीजें निकालते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी हम एक एरर, ये एक प्रॉम्प्ट बना के फिर से एक चेन बना के वो जनरेट करते हैं। ये देखो कंबाइंड कोड, वो कोड को कंबाइन करके और जनरेट करते हैं। अगर यहाँ से कुछ एरर आता है, यहाँ से एरर मैसेज आता है, तो वो फिर से जनरेट करने को बोलते हैं कि भाई कोड सॉल्यूशन को दोबारा जनरेट करो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नोड्स वाला, तो ये इसके अंदर मोस्टली सारी चीजें हमने कवर कर लिया। उसके बाद एलएलएम मैंने आपको बता ही दिया है, मॉडल्स के अंदर कुछ नहीं है। हम मॉडल्स के अंदर एलएलएम को बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये तीन कुछ ये क्लास बनाई है कोड के नाम की, और जो बेस मॉडल क्लास को एक्सटेंड करती है, और इन वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, जो हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं, प्रॉम्प्ट एज इन जो हम एलएलएम को बोलते हैं कि भाई यू आर ए कोडिंग असिस्टेंट, एंश्योर एनी कोड यू प्रोवाइड कैन बी एग्जीक्यूटेड विद ऑल द रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स एंड वेरिएबल डिफाइंड स्ट्रक्चर योर आंसर इन टू दीज थ्री विद दीज थ्री फॉर्म्स। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट बेसिकली आपका कुछ नहीं होता, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू द एलएलएम। ये हमारी यूटिल्स की फाइल है। यूटिल्स में हम क्या करते हैं कि प्रिंट वाले बेसिकली यूटिल फंक्शंस लिखे हुए हैं, जो कि हम अपने काइंड ऑफ डिबगिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये प्रिंट इवेंट का है और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कोड करते हैं। बेसिकली जो हमारा कोड उसने जो एलएलएम ने जनरेट किया है, वो एक्चुअली सिर्फ कोड नहीं जनरेट करता, वो जनरेट करता है कुछ एक्स्ट्रा की चीजें भी। मतलब कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो हमारा कुछ ऐसा कुछ जनरेट होता है जब ये यहाँ से, ये देखो ये जनरेट वाला कोड है, तो यहाँ पे जब वो जनरेट करेगा वो ये सब जनरेट करता है, हेयर इज माई अटेम्प्ट टू दिस। तो ये वाली एक्स्ट्रा की स्ट्रिंग होगी, ये वाली होगी, इम्पोर्ट्स यहाँ पे इसमें जरूरत नहीं थी तो इसने इम्पोर्ट्स में कुछ नहीं दिया, कोड में अंदर ये वाला कोड दिया है इसने। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा जनरेट होती हैं, तो हम यहाँ पे उन पूरे पूरे रिस्पॉन्स से जो है कोड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस कोड को एक्सट्रैक्ट करके फिर हम वापिस जो है यहाँ पे app.py में यूज करते हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे बिल्ड ग्राफ में सबसे पहले कॉन्फिग को इनिशियलाइज करवाते हैं, बिल्ड ग्राफ करते हैं, ग्राफ बिल्ड करते हैं, ग्राफ बन गया हमारा, ग्राफ बन गया तो उसके बाद फिर जो हम ग्राफ को इन्वोक करते हैं, जो हम यूजर क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमारा अभी यूआई का कोड आ गया स्ट्रीमलेट में, यहाँ से हम यूजर क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे ही यूजर सबमिट बटन करेगा, ठीक है, तो ये वाला यूजर क्वेश्चन इस ग्राफ के साथ इन्वोक हो जाएगा, ये डिटेल्स के साथ। फिर जो हमारे मैसेजेस आएंगे वहां से हम आंसर निकाल रहे हैं, ये आंसर निकालने के बाद हम जो है यहाँ पे आंसर में शो कर रहे हैं। तो ये मेरा यूआई का कोड है, और फिर नीचे हम जो है हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं, जैसा आपने देखा था यूआई का कोड है, ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। सो आई थिंक ये आई एम श्योर कि ये एक एक वर्ड डिटेल में नहीं है, बट एक रूपरेखा, एक वायर फ्रेम है,
कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे प्लेस्ड है, कौन सी चीज किसको कॉल कर रही है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, कैसे ग्राफ बन रहा है, कैसे नोड, कहाँ पे नोड्स है, नोड का क्या फंक्शन है। आई थिंक वो एक रूपरेखा सी मैंने आपको बताई है। आई थिंक अगर आप इसको सही से बैठ के, आराम से बैठ के देखेंगे तो आप ज्यादा भी रिलेट कर पाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था, टेक्स्ट टेक बेसिकली जो है यहाँ पे, आप अगर आप देखोगे ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला टेक्स्ट टेक है। लैंग चेंज 0.2 लेटेस्ट है, लैंग ग्राफ, लैंग स्मिथ, ये सारे जो हैं लेटेस्ट टेक्स्ट टेक है। लैंग स्मिथ आपका बेसिकली क्या करता है कि जो आप लैंग चेंज के थ्रू आप जो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप जो अपने लॉग्स जो है उनको मॉनिटर कर सकते हो, डीबग कर सकते हो, लॉग्स को चेक कर सकते हो, वो सारी चीजें जो है आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ यूआई पे आपको दिख जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो है .env फाइल में अपनी कीज वगैरह देनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑल इन ऑल एक क्विक कोड वॉक थ्रू हो गया है, प्रोजेक्ट का डेमो हो गया है, टेक स्टैक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगेन अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड, आई कैन हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट सोर्स कोड एंड द सेटअप ऑन योर मशीन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।